देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शिव्यांश को ढूंढने जा रही हूँ। वो एकदम से भाग के चला गया दूसरे के घर, तो उसी को मैं देखने के लिए जा रही थी कि है कि नहीं, या फिर किसी और के घर चला गया। क्योंकि इसकी ना पहले से ही यही आदत है, ये ना अपने घर से निकल के एकदम से दौड़ के किसी के भी घर में चला जाता है। इसकी ये आदत है। और गली में हम भी हमको सब पहचानते हैं, तो सब इसको घर छोड़ के चले जाते थे जब ये छोटा था। अभी लॉकडाउन के बाद नहीं हो रहा है ऐसा। तो देखिए, आज मैंने बेड खोल के रखा है, और देखिए इधर भी इतने सारे कपड़े पड़े हैं। मैं सफाई कर रही थी आज बेड की, तो मैंने कुछ कपड़े रख दिए हैं, कुछ अभी और रखूँगी, कुछ इधर भी पड़े हुए हैं ये देखिए, और फैला हुआ है सामान, क्योंकि अगर कुछ करने बैठते हैं तो फैल ही जाता है, जाहिर सी बात है। तो देखिए मैं ये सब काम कर रही हूँ आज, चलिए कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है प्रसाद, हमारे जो मकान मालिक है ना, उनके बेटे कि जो बहू है उनको लड़की हुई थी, तो वो प्रसाद लेके गई थी हमें। तो देखिए यहाँ पे, देखिए बाबू को आज कितनी सारी ये लेके आया है टॉफ़ी। वैसे मैं इसको दिलाती नहीं हूँ, नहीं तो दांत ख़राब हो जाते हैं। आज बस ये बहुत ही ज़िद कर रहा था, बहुत रो रहा था, पता नहीं कहाँ से इसको याद आ गई, तो ये बहुत ज़िद करने लगा, तो मैंने इसको मंगवा दी है। वैसे मैं इसको कभी दुकान पे लेके नहीं जाती हूँ, भेजती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा ही, मैं दुकान पे कभी नहीं जाती हूँ ना, इसको भेजती हूँ, मंगवा लेती हूँ किसी से भी कुछ सामान। तो बस देखिए यहाँ पे ये खा रहा है, और बहुत खुश हो गया था। उसके बाद आधी इसने खाई, आधी रख दी थी फिर खाने के लिए। तो ये देखिए, ये है मेरा बाबू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों ने देखा, बारिश हो रही है, काफ़ी देर हो गई, बारिश हुई जा रही है, हुई जा रही है, रिमझिम रिमझिम सी, कभी तेज कभी कम, ऐसे हो रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ जब बारिश हो ही रही है तो। लेकिन फिर भी ना रूम में ना एकदम उमस जैसी हो रही है, रूम में आते वो बहुत गर्मी लगने लगती है। देखिए पसीना अभी भी आ रहा है। बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, रूम में उमस जैसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है रूम में, क्योंकि हवा पास नहीं होती है ना यहाँ पे। इतनी बड़ी कोई खिड़की नहीं है, यहाँ अंदर की साइड हमारा रूम है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी धूप तो बिल्कुल नहीं आती है, और हवा भी बिल्कुल नहीं आती है, तो इसलिए। और कपड़ों में बहुत ज़्यादा सीलन से हो गई है मेरे, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ अच्छा, यहाँ पे पंखा और कूलर है तो ना, वो हवा भी देते हैं। आप क्या खा रहे हो? ये हनी शहद खा रहा है। अब देखो आप, ऐसे चाटता रहता है। मैंने मेरे लिए मंगाया था सुबह गर्म पानी में डाल के पीने के लिए, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा। मैं डेली गर्म पानी ऐसे ही पी लेती हूँ बिना हनी वगैरह के, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। हनी डाल के बहुत गंदा सा टेस्ट लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। मीठा कम करना चाहिए, ये तो फिर भी मीठा है, इसलिए मैं पीती नहीं हूँ, ऐसे पी लेती हूँ। नहीं रख दो, अब इसको बंद करके, थोड़ा सा ही चाटना होता है इसको। चलो ठीक है, तो चलेगा, इस मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। अभी मैं जल्दी कर ले रही हूँ, अभी 6 बजे होंगे, क्योंकि मेरे भाई को जाना है ड्यूटी। अभी मेरा भाई भी हमारे साथ ही रहता है हमारे रूम में, तो उसकी ड्यूटी है नाइट, तो वो जा रहा है ड्यूटी, तो उसके लिए मुझे आज खाना बनाना है शाम का। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ी, एक लस्सी का पैकेट रखा हुआ था, तो सोचे उसकी कढ़ी बना देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरी वाली बात होती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि इसी में ना उलझ के रह जाते हैं पता नहीं क्यों। तो बस ये देखिए,
लस्सी। और सबसे बड़ी टेंशन होती है ये क्या बनाए क्या ना बनाए हर किसी हाउस वाइफ की। तो बस यहाँ पे 2-3 चम्मच डाल दूँगी बेसन, क्योंकि लस्सी तो थोड़ी सी है, 2-3 चम्मच 3-4 चम्मच डाल लूँगी बेसन। और इसको अच्छे से घोल लूँगी ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना रहें। ये देखिए इस तरह से। और कढ़ाई चला दी है, चढ़ा दी है मैंने, गैस भी ऑन कर दिया है ताकि हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए, फिर जल्दी से मैं तड़का लगा दूँ कढ़ी के अंदर। तो बस पहले तो मैं सोचूँ इसको घोल लेती हूँ अच्छे तरीके से, फिर इसको मुझे हाथ से भी मिलाना है क्योंकि चम्मच से ना उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मैंने हाथ से इसको मैश किया था। और यहाँ पे देखिए मैं ये रिफाइंड ऑयल जो है वो डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर, और गर्म होने का वेट करके फिर इसके अंदर डाल देंगे मेथी दाना। हम मेथी से मैं तड़का लगाती हूँ, तो देखिए कैमरा पास में रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो मैंने मेथी डाल दिया, वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे मुझे मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और हल्दी भी डाल दी है, बेसन को भी घोल दिया है। और अब मैं छीलूँगी आलू, प्याज और लहसुन को मैंने कट करके रखा था, उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि हमारी मेथी जो है वो लाल हो चुकी थी, चटक चुकी थी अच्छे से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चलाते हुए मैं इसको प्याज और लहसुन को, तो देखिए बस अभी मुझे यहाँ पे आलू छीलने हैं, तो बस मैं वही आलू लेने के लिए गई हूँ। 2 आलू छील लूँगी। हमारे यहाँ कढ़ी के अंदर आलू खाना बहुत 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 पसंद करते हैं सभी लोग, तो बस यहाँ पे आलू छील लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स आलू कट के तैयार हो गए हैं, और मैंने गोल गोल पीसेस में काटे हैं पतले पतले ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि मट्ठा जो होता है वो खट्टा होता है और उसमें पकते नहीं है जल्दी से। तो बस ये देखिए हमारे लहसुन प्याज हो चुके थे, मैंने डाल दिए आलू। अब आलू को भी थोड़ी देर 2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी ताकि ये पक जाए। इनको हमें पहले ही पकाना होता है, बाद में ये खटाई के अंदर नहीं पक पाते हैं, तो पहले ही पकाना होता है। तो देखिए कैमरा को रख दिया मैंने पास में, अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो आलू डाल दिया, आलू को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू को मैंने पतला पतला पहले कट किया था। बाबू रहने दो, इतना हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो मैंने जो अपना मट्ठा है उसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली थी, तो लाल मिर्च भी डाल दे रही हूँ। वो पता नहीं कैमरा कैसे हो गया, दिख नहीं पाई आपको, लेकिन थोड़ा सा दिख जाएगी। देखिए साइड में जो रखी हुई है ना वो मट्ठे वाला बर्तन, उसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च, आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो बस बाबू यहाँ पे कुछ खा रहा है तो चम्मच से आवाज़ कर रहा है, ये सुबह का टाइम है, मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ आज। बाबू रहने दो ना, ऐसे मत करो आवाज़ बेटा, तो बच्चे हैं नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखिए आलू हमारे हो चुके हैं फ्राई अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो ये देखिए कैमरा मैंने दूर रख दिया है, तो मट्ठे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि बिल्कुल थिक ना हो जाए, क्योंकि पकने में भी थोड़ा बहुत जो है कम होता है, तो बस पानी जो है वो निकल जाएगा और मट्ठा रह जाएगा जब हमारी कढ़ी पकेगी, क्योंकि पकने में कढ़ी को टाइम लगता है। तो बस ये देखिए डाल दिया है मैंने कढ़ाई के अंदर मट्ठे को, और इसको हमें चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आए। तो सभी को पता है, पर जब हम रेसिपी दिखा रहे हैं तो पूरा बताना बनता है ना। सारे बर्तनों को रख दिया है मैंने सिंक में, और अभी जो है और बस कढ़ी को जो है हमें चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है।
ये देखिए जैसे मैं चला रही हूँ बार बार, सभी को पता है सभी कढ़ी बनाते हैं, बट आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने कढ़ी बनाई, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरा मन कर रहा था और कुछ बनाने के लिए था भी नहीं। आलू खा खा के, दाल खा खा के मैं तो बोर हो गई हूँ सच में। तो बस ये देखिए हमारी कढ़ी उबल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी कढ़ी उबल रही है, अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इसके अंदर डाल दूंगी मैं नमक। मैंने सुना था कि नमक बाद में डालनी चाहिए, पहले डाल देते हैं तो कढ़ी फट जाती है, तो मैंने भी इस बार यही किया है, नमक को बाद में डाला है। वैसे तो मेरी कढ़ी ज़िंदगी में अभी सिर्फ एक बार फटी है, सिर्फ एक बार आज तक कढ़ी नहीं फटी है मेरी। जब मैं ससुराल में थी तो पता नहीं कैसे कढ़ी फट गई मेरी, नहीं तो आज तक नहीं फटी है। तो बस ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है कढ़ी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। ये देखिए अपने भाई के लिए जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। हाँ बेटा, तो डियर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो मेरी एक भी रोटी पता नहीं क्यों नहीं फूलती है। और वैसे पता है सारी रोटियाँ फूल जाती है, अभी आप देखोगे ना रोटी नहीं फूलेगी, पता नहीं क्यों, क्या हो जाता है इसको, कैमरे के सामने शर्म आ जाती है, क्या हो जाता है पता नहीं, फूलती नहीं है, फूलती नहीं। कितने अच्छे तरीके से बना लो और वैसे एक एक रोटी फूल के आएगी और बड़े अच्छे से बनेगी और कैमरे के सामने बेइज्जत करा देती है। तो चलिए कोई नहीं, ऐसे तो कभी कभी हो जाता है, नहीं फूलती है, ये सब हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो बस ये देखिए रोटियां बना रही हूँ, और अभी बस थोड़ी रोटियां बनाऊँगी क्योंकि इतनी वो खा सके उतनी बनाऊँगी, 3-4, और बाकी बाद में बनाऊँगी जब हम खाएंगे, क्योंकि अभी तो बज रहे हैं 7:45 के लगभग का टाइम हो रहा था। इस टाइम में रोटियां बना रही हूँ क्योंकि 6 बजे में लगी थी खाना बनाने के लिए। तो बस ये देखिए रोटियां बना देती हूँ, ये तो खैर फूल गई मेरी रोटी। तो वही है ना, ऐसा होता रहता है, कभी फूल जाती है कभी नहीं फूलती है, तो ऐसा तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। पर लेकिन जब फूलती है ना रोटियाँ तो ऐसा मन करता है और रोटियाँ बना ले और रोटियाँ बना ले, और जब नहीं फूलती है तो मन ही नहीं करता, फिर सोचते चल छोड़ो रोटी तो फूल नहीं रही हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे, सी यू।